बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह, वैसे तो इनको हकीम कहा गया और ये कहा गया कि जनाब ये देख लेंगे, और पहले कहा गया कि तहरीके इंसाफ के लोग वापस चले गए रावलपिंडी से क्योंकि राना सनाउल्लाह का खौफ था और इस तरह की बात की गई। अब हाल ये है कि भाई राना सनाउल्लाह मिन्नत समाजत पर आ गए हैं कि सिर्फ 4 से 6 माह दे दें। ये राना सनाउल्लाह ने खुद ये बात की है, बयान उनका सामने आया है कि 4 से 6 माह में शहबाज शरीफ 4 से 6 माह में वज़ीर आज़म डिलीवर करेंगे। इसका क्या मतलब है कि 4 से 6 माह और हमें दे दें तो हम कुछ बेहतरी ले आएंगे, कुछ कारकर्दगी हम दिखा देंगे। अब ये उनको क्यों कहना पड़ा है, किसको पैगाम दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान साहब, आपका ख्याल है कि अब आपको वक्त देंगे? याद है इमरान खान ने कहा था और अब भी कहते हैं कि मैंने खुद वज़ीर ख़जाना को, उस वक्त शौकत तरीन साहब थे, उनको भेजा न्यूट्रल्स के पास कि अगर हुकूमत को गिराया गया तो मईशत नहीं संभल पाएगी, और वो बात सच हुई। आज डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, आज अब इनसे मईशत नहीं संभल रही, ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। हद तो ये है कि इनके पास प्लान भी कोई नहीं है, कोई रेस्क्यू का प्लान, कोई बताएं ना किस तरह मईशत को बेहतर करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं और अब तो माहिर माशियात कह रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम है, और जब तक पोलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, बड़े अहम फैसले नहीं होते जो ये हुकूमत कर ही नहीं सकती, तब तक मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती। तो लिहाजा जनाब, अब हालात को देखते हुए इदारों ने भी अब यूं कही है कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत से आंखें फेरना शुरू कर दी हैं, या हकीकत का इदराक कर लिया है, या अवामी दबाव इतना आया है कि अब उन्होंने भी समझ लिया है कि बस बहुत हो गया, अब मज़ीद ये पीडीएम और इनकी सियासी लाश को हम किस तरह उठा कर आगे चलें। एक तो आपने देखा कि कमांड की तब्दीली और जनरल कमर जावेद बाजवा की रुख्सती, उनका जाना, नए आर्मी चीफ का आना, अब जाहिर है कि इसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। मिसाल के तौर पर अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने बोल न्यूज़ पर बात करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है नए आर्मी चीफ के लिए वो ये है कि जो इदारे और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो गई है। आज आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखें, लोगों के जज्बात देखें, आप जाकर माइक आगे ले जाएं, कैमरा ले जाएं, आप वो चीज़ें चला नहीं सकते। आज़म स्वाती साहब की गिरफ्तारी के बाद जो बात हो रही है आप उसको देख लीजिए, जो बाजवा साहब के हवाले से जो बातें हुई हैं, जो मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आप देख लीजिए। फिर बाजवा साहब की जो अलविदाई मुलाकातें हैं उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हो, चाहे सदर पाकिस्तान से हो, तो वो सब कहानी बता रही है कि कितना अब इदारे ने दबाव सहा। ये पिछले 8 महीने में क्या हुआ, किस तरह से सारे मामलात हुए। इमरान खान साहब रजीम चेंज कहते रहे, उसके बारे में जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब किया यौम दिफा के मौके पर, उसके हवाले से देख लेंगे जी, वो भी सियासी बातें सामने आईं, उस पर कितना प्रेशर आया, उस पर कितना जवाब आया। तो अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। और अगर आप देखें आदिल राजा साहब, वो अपने वीलॉग्स में क्या कह रहे हैं, वजाहत अहसन खान साहब ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अब उन्होंने भी एक वीलॉग में तवील वीलॉग में तफसील बताई है उनको मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा। हत्ता कि वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं बहुत कुछ जानता हूँ, उनसे राबता भी था, बहुत कुछ बताऊँगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो बातें की हैं वजाहत अहसन खान साहब ने, क्या हुआ पनामा के बाद नवाज शरीफ को बाहर ले जाने का मामला, वो सारा कुछ, वो सब डिटेल उसमें उन्होंने बताई है। तो अब चीज़ें यानी बदल दें, लोग बात कर रहे हैं। तो अब इदारे के हवाले से अगर इनका आखिरी इंटरव्यू देखा जाए कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का, जो उन्होंने खलीजी इदारे को दिया, उसमें कहा कि जी ये एक इदारे के लेवल पर फैसला हो गया है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। तो अगर इसी को ले लिया जाए, अगर ये बिल्कुल इसी तरह है, तो इमरान खान साहब को इसके अलावा और क्या चाहिए? अब तो अवामी प्रेशर इतना है कि अगर इदारा मुदाखलत ना करे, सियासत में ना आए, तो इमरान खान तो पीडीएम को वैसे ही बहा ले जाएंगे। पीडीएम अब सिर्फ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश, उनकी जो सारी तमन्ना या आखिरी उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि इदारा किसी तरह से मुदाखलत करे, इमरान खान को नाअहल करवाए, इमरान खान को पकड़वाए, उसको दबाए और किसी तरह से हमारी मदद को आए। अगर इदारा नहीं आता, क्योंकि अब मैंने बताया कि कमांड की तब्दीली से बहुत चीज़ें होनी हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स आप देख सकते हैं कुछ नई होंगी, जाहिर है कि वो अपनी एक टीम लाएंगे फौरी तौर पर, शायद अमजद शुएब साहब के बकौल जो मैंने सुना जितना, कि ये तो नहीं होगा कि जो हाल ही में कुछ लोग हुए होंगे, चाहे हफ्ता उनको चंद दिन हुए हों तो उनको तब्दील किया जाए, ऐसा तो नहीं है होगा, क्योंकि उससे ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अपनी टीम बनाएंगे। फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तीफ़ा दे दिया।
लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। सीनियर तरीन ये लोग, काबिल तरीन लोग, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और बड़ी अहम बात यह है कि वो जो होता है कि अगर जूनियर लग जाए आर्मी चीफ तो फिर तो ये एक रिवायत है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस पर भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि नया चीफ आया वो अपनी जिस तरह भी काम करना चाहता है। इसका एक पहलू ये भी होगा कि बहुत सी बातें हुई, बहुत से इल्ज़ाम लगे कि जी फैज़ हमीद साहब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, तो अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देख लेते हैं कि मामलात आगे कैसे चलते हैं, क्या होता है। और ये इल्ज़ाम पे जी ज़ाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद थे और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो अब तो फिर कोई नहीं इल्ज़ाम लगा सकता ना, अब तो ये मैदान है। तो अब इन सब से हटकर अगर नए आर्मी चीफ जो हैं वो बिल्कुल सियासत से दूर हो जाते हैं तो उसका तो इमरान खान को फ़ायदा है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, अब अगर एस्टेब्लिशमेंट दबाव नहीं डालती अदलिया पर, अगर इलेक्शन कमीशन पर, तो फिर यही होगा जो इलेक्शन कमीशन अब कहने लग गया है। इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये है कि जी 47 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत से, पीडीएम हुकूमत से मांग लिया है इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इलेक्शन के मोड में जा रहा इलेक्शन कमीशन, वो कह रहा है कि हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, हमें पूरी तरह से फंड्स दे दिए जाएं। अब जो वजारत खजाना पीडीएम हुकूमत है वो आएं बाएं शाएं कर रही है कि नहीं अभी नहीं है फंड, हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, वो अब भाग रहे हैं इलेक्शन से कि इलेक्शन कमीशन को हम 47 अरब रुपया दे दें तो फिर तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ये ना हो कि फौरी करवाने की पोजीशन में आ जाए, तो हम पैसे रुक रखें तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन फिर अदालत में ले जाएगा, फिर अब बात आ जाएगी कि आप 87 अरब रुपया खुद तकसीम कर सकते हैं, 50-50 करोड़ रुपया फी बंदा कौमी असम्बली में, तो आप 47 अरब रुपया क्यों नहीं दे सकते? आप 70-75 लोगों की काबीना आप रख सकते हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते जो आइनी तकाजा है? तो इलेक्शन कमीशन हत्ता के 2 सूबों का कह दिया उसने कि जी जैसे ही सूबों में असम्बलियाँ तहरीर होती हैं या इस्तीफे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो अब इसका क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन तो बात मान रहा है तहरीक इंसाफ की कि 2 सूबों में अगर असम्बलियाँ तहरीर हुई जी हमारा आइनी काम है, वरना तो वो कितनी दफ़ा इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन डिले किए पीपल्स पार्टी के कहने पर, सिर्फ जितने इस्तीफे भेजे गए उन्हीं को मंजूर करके वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए, वहाँ भी हारा। तो इलेक्शन कमीशन पर भी प्रेशर आ रहा है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पर दबाव नहीं डालती, अदालतों पर नहीं दबाव डाला जाता, तो फिर इमरान खान को और क्या चाहिए? उनके खिलाफ जो जाली केसेस बनाए गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो तोशाखाना का मामला बनाया वो भी सब कुछ डिक्लेयर है, वो भी उस तरह से नहीं चल सकेगा। तो अगर ये हुकूमत समझती है कि अब आगे भी इनके साथ वही रियायत होगी या उस तरह से मामला चलेंगे जो पिछले 8 महीने में थे, वो तो नहीं होने वाला, ये तो साफ पता है। तो ये 1-2 दिन में सारी सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन के तेवर बता रहे हैं कि अब वो भी बदलते हालात को देख रहा है, अवामी दबाव, असल में अवामी प्रेशर। जो लोग रिपोर्ट करते रहे हैं वो बता रहे हैं कि हर जलसा इमरान खान का जो रिपोर्ट करते थे वो कह रहे हैं कि जिस तरह लोग रावलपिंडी में आए हैं ऐसा मंजर पहले नहीं देखा गया। खुद इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, पहले भी उन्होंने जलसों में तोड़े हैं। तो इमरान खान साहब अवामी प्रेशर बिल्ड करके, लोगों का प्रेशर बिल्ड करके अब लग रहा है कि वो इदारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो भी अवाम की सुने, जो अवाम कह रहे हैं उस तरफ जाएँ। अब दिलचस्प बात यह है कि 2 नंबरियों का सोचा जा रहा है, उसी तरह की 2 नंबरी के हमजा शहबाज को चंद दिन के लिए वज़ीर आला बनाने का शौक पूरा कर लिया लोटों को साथ मिला के, उसका नुकसान हुआ, बर्बादी हुई उसके बाद। अब ये अगर कोई इस तरह का गैर आइनी गैर कानूनी काम गवर्नर राज का लगाने के लिए कुछ करेंगे, कोई पकड़ दकड़ कोई खरीदो फरोख्त करेंगे, उसका भी इनको नुकसान होगा जिस तरह पहले हुआ है। और फिर अब जो कहते थे हमने बिल्कुल आइनी तौर पर इमरान खान को निकाला है, हमने सब ने इकट्ठे होकर आइनी तौर पर निकाला है, तो क्या असम्बली तहलील करना आइन में नहीं लिखा? क्या वज़ीर आला कोई इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली तहलील कर सके? साफ साफ लिखा हुआ है। और बताया गवर्नर राज कब लग सकता है तो उसका भी आइन में लिखा हुआ है, वो भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो अब कहाँ गया आइन और कानून? अब क्या मामला है? अब ये जो कह रहे हैं ना जी हम 4 से 6 माह दे दें, ये राना सनाउल्लाह पहले कह रहे थे हम 6 महीने आगे भी कर सकते हैं, अगस्त से भी आगे 6 महीने, अक्टूबर से आगे 6 महीने हम ले जा सकते हैं इलेक्शंस। अब वो कह रहे हैं 4 से 6 महीने दे दो हमें बस। अब तो ये सूरत हाल हो गई है, ये हालात हो गए हैं। तो आप खुद सोचिए ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कितनी बुरी है। इसी में एक और बड़ी खौफनाक बात ये हुई है कि TTP की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जी दोबारा हमले हम शुरू करें। ये बड़ी खौफनाक है। और ये भी इत्तला आई है कि पाक फ़ौज के जवानों से झड़पें भी हुई हैं और कुछ ज़ख्मी भी हमारे जवान।
अल्लाह ताला हमारे जवानों की हिफाजत करे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर इतनी कुर्बानियाँ शहादतें दी हैं और अब भी ये देखिए टीटीपी ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल अब इसको भी देखा जा रहा है क्योंकि अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होने हैं तो उसके लिए ये ना हो कि दहशतगर्दी की कोई नई लहर हो और फिर ये कहा जाए जी दहशतगर्दी ज़्यादा है और इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि हमने बहुत बड़ी लहर में बड़ी खौफनाक सूरत हाल में भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते देखे हैं 2013 की अगर बात कर लें तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाए। हमारे फ़ौजी जवान इस वक्त इनसे लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करें, इनको कामयाबी दे और ज़ाहिर है कि ये भी एक चैलेंज नए आर्मी चीफ के लिए यकीनन है। तो अब ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, अवाम का प्रेशर, चेन ऑफ मतलब चेंज ऑफ कमांड उसमें देखें आप। और एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है, एक सीनियर साफ़ी ने बात कही और इसको ज़रा देखना होगा, अगर हो सका तो हम अगली वीडियोस में इस पर तफसील से बात करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी, यहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर वफाकी हुकूमत कहती है नहीं हमने तो कौमी असम्बली में तो रहना है क्योंकि उसके अलावा बचाव कोई नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा, तो कोशिश तो ये करेंगे। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो नज़र आ रहा है वो हुकूमत आ जाएगी तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ की जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आ जाती है और 5 साल के लिए यहाँ पर हुकूमत आ जाती है उनकी, ज़ाहिर है 5 साल के लिए फिर होगी, तो उसके बाद जब जनरल इलेक्शन यानी कौमी असम्बली के और बाकी सूबों के होते हैं बलूचिस्तान और सिंध के, ये तो मैं आपको बता दूँ कि जरदारी साहब किसी भी सूरत में इलेक्शन एक हफ्ता भी आगे नहीं जाने देंगे अपने मुकर्रर वक्त से। पहले की अलग बात है, पहले भी वो चाहते ना हो लेकिन आगे तो किसी सूरत नहीं वो जाने देंगे क्योंकि वो नज़रिया ज़रूरत वाला मामला आ जाएगा और पीपल्स पार्टी की जो रही सी साख है कोई उनकी ये नज़रियात या ये जी नज़रिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए वो खत्म हो जाएगी कि कल को उनके खिलाफ भी गवर्नर आज लगे कुछ होगा कि जनाब आपने भी तो इलेक्शन डिले किए थे ऐसी वजूहत बना के। तो बहरहाल वो आगे नहीं जाने देंगे इलेक्शन। तो अब होगा क्या, इमरान खान साहब के पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होगी, हुकूमत होते हुए जाहिर है कि वहाँ पर नेशनल असम्बली की इलेक्शन निस्बतन उनके लिए आसान होंगे कि सूबाई हुकूमत भी उनके पास है, एमपीएस उनके हैं ज़्यादा और लोग भी बहुत से ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि भाई किसकी पोजीशन मजबूत है वो उस तरफ जाते हैं, तो वो फोकस कहाँ कर सकेंगे फिर बलूचिस्तान और सिंध में। तो जरदारी साहब को तो अपनी पड़ जाएगी क्योंकि कोई भी सिंध में उस तरह पीपल्स पार्टी के अलावा उतना जोर नहीं लगाता था, नून लीग भी नहीं लगाती क्योंकि जी पंजाब में हम रखें यहाँ से ज़्यादा सीटें आएंगी, विफाक का रास्ता पंजाब से जाता है, पंजाब में अगर आप सीटें ज़्यादा जीत जाएंगे तो जाहिर है कि ज़्यादा सीटें ही आबादी के लिहाज से पंजाब में तो आप ज़्यादा आसानी से पहुँच सकते हैं, उसमें भी फिर जीटी रोड की बात की जाती, तो नून लीग ने हमेशा ज़्यादा फोकस अपना यहाँ पर रखा तो सिंध में उतना जोर ही कभी नहीं लगाया। लेकिन इमरान खान क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद जब दो सूबों में हुकूमत आ जाएगी, वो फोकस सिंध में ले जा सकते हैं, इंटीरियर सिंध में ले जा सकते हैं, शहरी इलाकों में तो ज़ाहिर उनका जोर नज़र आ रहा है अभी हालिया ज़मीनी इलेक्शन में पता लग गया एमकेएम वाला इलाका तो फारिग हो गया, इंटीरियर सिंध में फिर जरदारी साहब को अपनी पड़ जाएगी, ये भी बड़ा अहम पहलू है। तो हो सका तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इस पर तफसील से हम बात करेंगे कि ये क्या सिनारियो बन रहा है और इमरान खान साहब के हाथ में किस तरह ये गेम आती चली जा रही है और इमरान खान साहब किस तरह मजबूत होते चले जा रहे हैं और अब सियासी तौर पर ये बिल्कुल बोने लग रहे हैं इमरान खान के मुकाबले पे, ये 13 जमातें भी और ये बड़े बड़े यानी जो बुर्ज समझे जाते थे जिनको उल्टा कर रख दिया इमरान खान ने। अल्लाह हाफिज़।